ਸਾਵਾਦਾ ਵੀਰ ਮੈਨੇ ਸਿੱਖਾ ਪਧਿੰਗ ਸਮਾਧਿਆਮੀ रमेश खटके सर, रमेश खटके सर हैं क्या? हाँ सर, हाँ सर, बोलिए सर। आपने महाराष्ट्र के बारे में थोड़ा बताइए सभी को कि क्या क्या काम चल रहा है, क्या क्या नहीं, 5 मिनट में जरा। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं रमेश खटके महाराष्ट्र से हूँ। महाराष्ट्र में अभी पिछले अगस्त से हम लोग सब जुड़े थे। आज महाराष्ट्र के करीब करीब 58 लोग जुड़े हुए हैं इस संघ से, और हमने तय किया है। हालांकि हमने 26 दिसंबर का लखनऊ का जो डॉक्टर समन संघ का जो प्रोग्राम देखा था, उससे हमने तय किया, हम बहुत प्रेरित हुए, और खासकर हम लोग सुधीर राज सिंह सर और साथी जो कंसेप्ट बताते हैं, उससे बहुत ही हम लोग ज्यादा एक्साइटेड हो गए। और हमने 30 जनवरी को दीक्षा भूमि पर एक महाराष्ट्र का एक प्रोग्राम लगाया है, जिसमें सारे भारत के लोग आमंत्रित है। अभी वो प्रोग्राम हो सकता है ऑफलाइन भी हो और ऑनलाइन भी हो। अगर ऑफलाइन हुआ तो सभी ने आना है, अगर ऑनलाइन होता है तो दीक्षा भूमि में आप सभी लोग आमंत्रित है। हम लोग क्या करते हैं, नागपुर में हमारी हर हफ्ते में मीटिंग होती है। करीब करीब उस मीटिंग में काफी बुद्धिजीवी लोग होते हैं, एक्टिविस्ट होते हैं, यूथ होते हैं, ऐसे 20-25 लोग हम लोग हर दूसरे तीसरे दिन में जुड़ जाते हैं। और आज तक महाराष्ट्र के अभी तक 12 जिलों में वी द पीपल का काम बड़े अच्छे ढंग से चल रहा है, और आने वाले 2-3 महीने में हम लोग हमारे जो स्पोक होते हैं, जो कि प्रवक्ता होते हैं समन संघ के, वी द पीपल के, हम लोग 100 लोग स्पोक करके जुड़ जाएंगे। और ऐसे जो डेली मीटिंग के लिए करीब करीब हम 110-120 तक लोग जोड़ेंगे, ऐसा हमने प्लान बनाया है। और हम लोग विद द पीपल में इसीलिए खुश है क्योंकि यहाँ पर ना किसी से पैसा लिया जाता है, यहाँ पर कोई किसी का लीडर नहीं है, यहाँ पर सभी लोग समन संघ में सभी एक दूसरे के बहन भाई की तरह रहते हैं। और यहाँ पर खास बात यह होती है कि हम लोग जो भी कोई काम करना चाहते हैं वो हमारे संघ में एकत्र इकट्ठा होकर निर्णय लिया जाता है, उसके बाद वो बात बनती है और उसके ऊपर हम सभी हमारा वर्तन करते हैं, हमारी कृतियां करते हैं। तो इसलिए महाराष्ट्र के सभी लोग आपको 30 जनवरी के प्रोग्राम को आमंत्रित करने के लिए यहाँ पर तैयार हैं। हम महाराष्ट्र की तरफ से विद द पीपल में आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं सर। धन्यवाद, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय श्री राम। सुधीर कुमार सर हैं क्या बहादुरगढ़ से? सुधीर कुमार सर हरियाणा बहादुरगढ़ से। हाँ सर बताइए, आप 3-4 मीटिंग लगा रहे हैं, पहला एक्सपीरियंस कैसा रहा, 2 मिनट बताइए सर सभी को। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। आवाज आ रही है सर? आ रही है, बताएं सर। हाँ, हमने जो ना 26 दिसंबर को यहाँ जो मीटिंग लगाई थी बहादुरगढ़ में, तो उसमें करीब करीब 63 लोग जो है ना आए हुए थे, गुड़गांव के भी थे, और उन लोगों ने यहाँ के जो कॉन्सेप्ट समझ के अपना पीपल संघ का कॉन्सेप्ट समझा और अच्छा लगा उनको, और उन्होंने जो है ना इसमें काफी अब जो है ना टीमें बन चुकी हैं उसमें, और लोग अब अपने तरीके से जो है ना मेहनत कर रहे हैं, सभी अब अपने एरिया में, अब अपने गांव में, अब अपने क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं। और उसका रिजल्ट ये आया है कि अभी हमारी जो है ना 4 मीटिंगें फाइनल हो चुकी हैं इस महीने की, जो हमने ग्रुप में भी डाली है, और 9 तारीख को है, उसके बाद में 15 तारीख को है, 16 तारीख को है, और एक क्या नाम है 23 तारीख को है। 9 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख, 26 तो ये मीटिंगें फाइनल हो चुकी हैं, और झज्जर वाली जो है ना वो भी एक आधे में फाइनल हो जाएगी, तो इतनी मीटिंग लग रही है। तो उसमें हमारा क्या है ना कि 3-4 लोगों की, जैसे कोई भी लोग मिलते हैं टीम बन के जाते हैं, और हमारे को बुलाने लग गए लोग अब कि भी आप जो है ना वहां नहीं इकट्ठे कर लिए हैं तो, और वहां पर आइए, कॉन्सेप्ट समझाइए। लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है और अच्छा लग रहा है, सब दोनों संगठनों से परेशान होकर के और संघ में लोग आने के लिए एग्री हैं, और अच्छा चल रहा है यहाँ पे। चलिए ठीक है,
प्रकाश सिंह सर हैं क्या उत्तर प्रदेश से? प्रकाश सिंह सर वो जी सर, हाँ थोड़ा बताइए उत्तर प्रदेश की डेवलपमेंट के बारे में, सभी को पुराना और नया जो भी कुछ चल रहा है। सभी साथियों का नाम उदय जय भीम। उदय जय भीम। उत्तर प्रदेश में जो एक मीटिंग 16 जनवरी को अभी फिजिकल मीटिंग होने वाली है बिजनौर जनपद में, इसके अलावा यहाँ मंडल मुरादाबाद के जो बाकी जनपद हैं अमरोहा मुरादाबाद, इसमें मीटिंग फिजिकल संपन्न हो चुकी है। मंडल मुरादाबाद के अब तक 80 स्पोक्स जो हैं वो तैयार हो चुके हैं, जिसमें वो आपस में 1+10 के फार्मूले को प्रैक्टिस कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश के 100+ स्पोक्स जो है अभी तक तैयार हैं, जिसका डाटा कलेक्ट करने के लिए अलग अलग जो स्पोक्स हैं हमारे वो साथी तैयार कर रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर और पूरे इंडिया में जो भी हमारे स्पोक्स साथी हैं जो 1+10 का फार्मूला तैयार कर चुके हैं, उनके नाम और जितने स्पोक्स उन्होंने बनाए हैं उनका डाटा तैयार हो चुका है, और उसके बाद उसको जल्दी ही नेटवर्किंग कमेटी के माध्यम से हाउस में रखा जाएगा, और जो आगे प्रोग्राम है नेटवर्किंग कमेटी के माध्यम से भी हम लोगों का ये 1+10 के फार्मूले को पूरा करते हुए हम एक्टिव जो स्पोक्स हैं उनकी सदस्य संख्या अति शीघ्र अधिक से अधिक करें, तो उसको जोड़ने के लिए जितने भी साथी स्टेट वाइज प्रयास कर रहे हैं उन सबका डाटा कलेक्ट हो रहा है। और एक चीज और, जो डायरेक्टरी बनाने का एक हाउस में प्रस्ताव पास हुआ था उसके विषय में भी सभी साथियों से जो स्पोक साथी हैं उनसे एड्रेसेस मांगे जा रहे हैं जो सहयोग लेना और देना चाहते हैं। तो इस तरह से ये जोड़ने का काम निरंतर चल रहा है, पूरी टीम इसमें लगी हुई है। धन्यवाद। नवोदय जय भीम। अर्चना गौतम बहन जी है क्या गुड़गांव से? अर्चना गौतम बहन जी, गीता गोरिया जी होंगे। गीता गोरिया बहन जी, हेलो सुधीर सर जी। जी पवन सर, जय भीम नवोदय जी। सर मेरे साथ ये ओमवीर सिंह। अच्छा, परिचय कराने के लिए? हाँ हाँ, वो आज पहली बार मीटिंग में जुड़े हैं, काफी परेशानी हुई मीटिंग में जुड़े, पर मैंने उनको जोड़ा आज। ठीक है, परिवार सर परिचय का ले लीजिए, बाकी बाद में कर लेंगे। हाँ जी, सभी को नमस्कार। हाँ गीता जी, चलो आप बता दो। हाँ जी, हाँ जी, नहीं आप बताओ अर्चना जी। हाँ जी, हाय सर, जय नवोदय सभी साथियों को। अभी हम माता सावित्रीबाई फूले सैनी समाज की तरफ से प्रोग्राम था, उसमें गए और हमने वहाँ पे सैनी समाज के काफी लोगों से मुलाकात की, और वहाँ पे काफी महिलाओं से हमने भी बात की है, और वो भी आ गए हमारी मीटिंग लगाने के लिए, उन्हें बोला है। और चंदू बेहड़ा में अब फरवरी में एक मीटिंग हमने फिक्स कर दी है, और उस दिन भी हम एक महिला के घर पर्सनल भी हम मीटिंग करने गए थे, कि वो कहने लगी कि मुझे तो आपको अपने घर ले जाना है और आप जा नहीं सकते मेरे यहाँ चाय पिए बिना। तो मैं गीताजी उसके घर काफी दूर पैदल चल के घर गए, उसकी समस्या सुनी। तो जो होती है हमारे लोगों की आम समस्या है कि लोग परेशान करते हैं क्योंकि वो अकेले अकेले रहते हैं, तो हमने उसको काफी समझाया, काफी हौसला दिया। तो ऐसे हम डोर टू डोर 1+1 वाली मीटिंग भी मैं और गीताजी लगा रहे हैं, और आगे भी ये अभी काम थोड़ा हमारा चलता रहेगा। जय भी नवोदय। गीताजी आप बता दो कुछ। नहीं मैं तो क्या बताऊं, अर्चना जी बता दिया, बाकी हम सब 1+10 का जो आपने फार्मूला दिया उस पे काम कर रहे हैं, और यहाँ पे गुड़गांव में जहाँ भी मेरा तो वैसे हो गया सर की। आप बहन जी, आप मुझे एक बात बताओ कि आप तो इतने पुराने सामाजिक काम करने वाली हैं, पूरे हरियाणा में आपका और अर्चना बहन जी का क्या बोलते हैं सभी का आना जाना रहता है, तो अभी आपको पहले जो काम करती थी संगठन में और अभी जो संघ में कर रही हैं उसमें क्या अंतर लग रहा है आपको? सर अब तो इतना अंतर है जमीन आसमान का, जब मैं हम ये बताते हैं ना कि इसमें भाई आप जन्मजात सदस्य हैं, पैसे नहीं लिया जाता और हम पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे, तो जो 3-4 बातें उनको बिल्कुल बहुत ही अच्छी लगती हैं, वो कहते हैं कि भाई इसमें हम भी आना चाहते हैं। ओबीसी समाज ने जो माता सावित्रीबाई फुले का जो जयंती मनाई थी, तो उसमें ओबीसी समाज ने स्पेशल मुझे बोला है कि बहन जी मुझे हमें टाइम दो, आप हम आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है, फिर हमने मैंने अर्चना जी ने बोला कि जब भी आप कहोगे उससे 2 दिन पहले बताना हमें। तो वो ये कह रहे कि हम तो ये चीजें ही तो ढूंढ रहे थे। ओबीसी समाज जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो ये कहता है कि हम उनको बात समझ आ रही है, आपको ज्यादा पता है, उनको बातें समझ आ रही है। वो ये कह रहे हैं कि हम आपके साथ आके और इस संघ को आगे बढ़ाना चाहते हैं,
और जो हमने पहले से काम किया है वो आज हमें नजर आ रहा है। हम सोच रहे थे कि हमारे जितना भी हमने काम किया वो बेकार गया, लेकिन आज लगता है कि जहां हम जाते हैं फेस वैल्यू को देख के वो कहते हैं ये तो बहन जी पहले भी आती थी। तो अब हम जो भी द पीपल का कंसेप्ट रखते हैं तो उनको बहुत ही जल्दी समझ आ जाता है, तो उसमें ये डिफरेंस है। आपको कैसा लगता है जब आप बताते हैं तो आपका मन के कैसा होता है बताने के बाद? मन के बताने के बाद तो जैसे गुंगा को आदमी को मीठा अच्छी चीज खिला दे और उससे पूछो कि आपको कैसा लगा तो वो बता नहीं पाता है। ये वाली फीलिंग आती है मुझे तो, और मैं तो इतनी ज्यादा इतनी ज्यादा क्रेजी हो रही हूँ बिना पीपल की तरह से कि मैं 20 साल से केबीसी की तैयारी कर रही थी कौन बनेगा करोड़पति। सर मेरा केबीसी तो लगा नहीं लेकिन मेरा ये वाला केबीसी लग गया, तो मैं इसलिए भी बहुत खुश हूँ। और मतलब मैं सच बताऊ मैं अपने अंदर की बता रही हूँ कि मेरे लिए ये, मैं जहां भी अब बात करती हूँ किसी से भी मैं कहती हूँ विदा पीपल, तो मैं सिर्फ विदा पीपल का यही कहती हूँ कि हम ना होके मतलब आई ना होके वी जब तक हम नहीं होएंगे तब तक हमारा गुजारा नहीं हो सकता। तो करे वी में क्या मतलब है, तो मैं बताती हूँ कि वी मतलब दो वी विक्ट्री जीत। जब दो वी बन के एक डब्ल्यू बनाया आई बनाया वो वी बनाया तो उसका मतलब समझ लो तुम कितना गहरा गुड इसमें रहस्य है। तो उनको इजीली समझ आ रही है सब बातें, कहने का मतलब ये है। चलिए, और कॉन्फिडेंस तो सर पहले जितना था उससे कई गुना कॉन्फिडेंस बढ़ गया इन सब चीज को जानकारी होके। अब एक बात और भी हो गई है बहन जी के क्या बोलते हैं, कम से कम कोई आदमी हमको धोखेबाज नहीं कह सकता, क्योंकि ना हम उससे पैसा लेते हैं ना हम उसको कोई आश्वासन देते हैं, हम तो सीधे सच्चे जाते हैं और सीधे सच्चे रहते हैं। हाँ जी ये बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अब हमें ना पर्ची लेके जाना नहीं पड़ता, अब पहले तो हमारे मुंह पर दरवाजा बंद कर देते थे लोग से कल देख के, अरे ये पका हुआ है जोड़ा ठाक के आ गई, यो कहते थे तेरे को तो काम है नहीं। मैंने कहा हमारे भी क्या नहीं है सब कुछ है, लेकिन कहते तेरे को तो अच्छे बोले तेरे से आदमी अच्छी सर्विस लग रहा है तो इसलिए तुझे बातें आ रही है। तो अब कुल मिला के ये बातें नहीं होती, ये अब लोग हमें घर ले जाना चाहते हैं जान पूछ के, चलो हमारे घर चलो आज हमारे चाय पियो, पैसे तो नहीं देने ना कम से कम। बिल्कुल बिल्कुल ये संघ की खास बात है और ये बहुत पुराना हमारा बुद्ध से भी पहले का फार्मूला है, मगर लोगों ने बिगाड़ दिया इसको। हाँ जी, अभी जो भाई हिमाचल से जुड़े हैं वो ये संघ के ही तहत, देखो मैं उस ग्रुप में काफी टाइम से जुड़ी हुई थी, मैं डेली मील सेंड करती हूँ, डेली मेरा नियम है जितने भी मेरे पास संगठन है जो अपने समण समाज के उसमें डेली लिंक सेंड करती हूँ, कोई भाई बहन कभी तो जुड़ेगी, मैं पर्सनल फोन भी करती हूँ उनको जो मुझे लगता है कि इसका समझ आ जाएगी बात। 208 लोग जुड़े हैं, सभी से ये एक खास बात ध्यान रखें कि 7:45 से लेके और 8:30 तक लिंक लगातार सेंड करते रहे तो लोग जुड़ते हैं, क्योंकि बाद में ना लिंक दब जाता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी ठीक है। 8:30 से लेके 8:30 आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं, इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम्म सबका है, हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। गच्छामि।
Gacchami.